हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश टू टेक वन सेकंड। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमानी बनर्जी के बारे में, जिन्होंने एक पोयम लिखी है वाइफ। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पोयम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो हमारी वाइफ पोयम की पोइटेस हैं हिमानी बनर्जी यानी कि, तो इनके बारे में हम लोग सबसे पहले इनके लाइफ से और वर्क से रिलेटेड सारी चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में क्या है कि हिमानी बनर्जी की अभी भी डेथ नहीं हुई है, ये अभी भी जिंदा हैं और ये अभी 78 ईयर्स ओल्ड की हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो रही इनके जीवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद में फिर ये देखिए क्या है कि इनका बॉर्न कब हुआ था। तो 1942 बांग्लादेश बंगाल में इनका बॉर्न हुआ है, याद रखिएगा कि कहाँ पर और कब इनका बॉर्न हुआ है। उसके बाद में फिर ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या है कि हम कि बंगाली कैनेडियन राइटर हैं ये हमारी, और सोशोलॉजिस्ट हैं एंड फिलोसोफर फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल की। तो ध्यान रखिए कि बंगाली कैनेडियन राइटर हैं हमारी, सोशोलॉजिस्ट हैं एंड अ फिलोसोफर फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल से भी ये हैं। और फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट का आता है कि सी टीचर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उन्होंने कौन से डिपार्टमेंट में टीचिंग करी है, तो वो सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट में टीचर रही हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट में वो टीचर रही हैं और उसी डिपार्टमेंट में इन्होंने टीचिंग सोशोलॉजी की टीचर बनकर इन्होंने टीचिंग लोगों को, बच्चों को पढ़ाया भी है। और फिर इनके इससे बात करें कि कहाँ पर इनकी शिक्षा हुई, शिक्षा वगैरह इनके जीवन में कहाँ पर, तो सी रिसीव्ड हर बीए, इन्होंने बीए एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करी, तो बीए एंड एमए फ्रॉम इंग्लिश से इन्होंने किया है और विश्व भारती यूनिवर्सिटी से एंड जावेदपुरी, इसकी स्पेलिंग गलत यहाँ पर लिखे फ्रेंड, तो जावेद वी डी होती, जावेदपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए एंड एमए की डिग्री को फाइंड आउट किया। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए कि सी इंटर्ड हर एमए और उसके बाद फिर इन्होंने डबल एमए यानी किया, ठीक है, तो एमए एंड पीएचडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। टोरंटो क्या है कि बाहर का है, तो बाहर का हमारा सिटी वो कंट्री पड़ जाता है, ठीक है, तो उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी से अपना एमए एंड पीएचडी वगैरह की डिग्री को कंप्लीट किया है। और फिर ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हिमानी बनर्जी इज़ नोन नॉट ओनली एज अ पोइटेस बट फॉर हर एक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स। ये देखिए क्या लिखा है कि हिमानी बनर्जी इज़ नोन नॉट ओनली एज अ पोइटेस, केवल उनको हम लोग पोइटेस के रूप में ही नहीं जानते हैं, पोइटेस का मतलब केवल हम इनको इसी तरीके से नहीं जान सकते कि वो, अगर कोई पूछे कि हिमानी बनर्जी कौन है तो हम सिंपल हमारे दिमाग में यही आ जाए कि वो एक पोइटेस हैं, इन्होंने वाइफ पोएम लिखा है, तो इनको पोइटेस के रूप में भी हम लोग नहीं जान सकते। इसके साथ ही साथ में ये एक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स ऑल्सो, मतलब कि इन्होंने एक्टिविस्ट और एक्टिविस्ट वर्क भी इन्होंने किया है। एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है, एग्रेशंस का काम, ठीक है, कि आगे बढ़ाने वाले आंदोलित करने वाले कामों को भी इन्होंने किया है, एक्टिविस्ट वर्क एंड पोएट्रीज को इन्होंने किया है। तो ये देखिए लिखा भी है ब्रैकेट के अंदर। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हिमानी बनर्जी इज अ पोएट्रेस ऑफ जॉय एंड सोरो। ये हमारी कौन सी पोएट्रेस सही है, जॉय की, जॉय एंड सोरो, जबकि अभी हम अगर वॉल्ट व्हिटमैन की, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो वो जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, जॉय और ऑप्टिमिज्म शायद थे, तो उस ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि कौन सा राइटर कौन से क्या चीज़ रिलेटेड है। तो ये फिलहाल जॉय एंड सोरो की पोइट्रेस मानी जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पोयम वाइफ इज़ अ लिरिक्स एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्री वर्स। ये किसमें, वाइफ जो पोयम हमारी किसमें, फ्री वर्स में लिखी गई है, किस फॉर्म में लिखी गई, फ्री वर्स में। और इनकी प्रेजेंट एज क्या है, 78, आप चाहें तो नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि हिमानी बनर्जी इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स एंड अ थ्योरीज ऑफ कार्ल मार्क्स। यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी थ्योरी से और उनकी टीचिंग्स वगैरह से, उनके प्रिंसिपल से जो हिमानी बनर्जी थी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। सो उनकी हाईली इन्फ्लुएंस्ड किससे प्रभावित रही हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरीज और टीचिंग्स वगैरह से प्रभावित रही हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हिमानी बनर्जी इज़ अ फेमस फॉर हर एक्टिविस्ट एंड प्रिंसिपल्स। वो अपनी आंदोलित करने वाले कामों की वजह से और अपने सिद्धांतों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जानी मानी एक तरीके की पोइट्रेस मानी जाती हैं, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डूइंग टाइम पोएम्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ हिमानी बनर्जी। यहाँ पर जो डूइंग टाइम्स पोएम्स है, डूइंग टाइम पोएम्स का क्या मतलब कि इन्होंने एक ये कलेक्शन लिखा था, ठीक है, क्रिएशन थी इनकी डूइंग टाइम्स पोएम, सो इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ हिमानी बनर्जी। किसकी पोएम, किसकी रचना, किसकी क्रिएशन है, तो ध्यान रखिए कि हिमानी बनर्जी। कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि डूइंग टाइम्स पोएम्स की क्रिएशन कौन, क्रिएटर कौन है, तो आपको ध्यान रख के बताना पड़ेगा कि हिमानी बनर्जी जी हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि द डार्क साइड ऑफ द नेशन इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ हिमानी बनर्जी। द डार्क, ये जो एक इन्होंने एक और भी क्रिएशन लिखी अपनी, इनकी एक और क्रिएशन है द डार्क
साइड ऑफ द नेशन, द डार्क साइड ऑफ द नेशन इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ हिमानी बनर्जी। आपको इन दोनों को ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो दोनों लिखे हुए हैं, द डार्क साइड ऑफ द नेशन एंड डूइंग टाइम पोएम्स, ये आपको दोनों ध्यान रखने की, इन्हीं दोनों के कलेक्शन हैं। बाकी अभी हम आपको इनके वर्क्स के बारे में भी, अभी एक जो भी इनकी लिस्ट हम आपको दिखाते हैं लास्ट में सभी पोएट या पोएटिस वगैरह की, तो अभी हम आपको उसकी लिस्ट भी दिखाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए कि क्या लिखा हुआ है, द पो हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे जब पोएम पढ़ाएंगे, तो ये भी बताएंगे कि जो हमारी ये पोएम है जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइफ पोएम को, सो उसके बारे में है कि द पोएम इज कम्पोज इन फ्री वर्स। ये किसमें लिखी गई है, फ्री वर्स में, अभी हम इससे पहले बता भी चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पर लिखा है तो आप लोग फिर से समझ लें कि फिर फ्री वर्स में ये पोएम कम्पोज करी गई है, हैविंग इन इज रेगुलर मीटर राइम्स और राइम स्कीम्स वगैरह। इसमें क्या जो राइम स्कीम्स वगैरह ये मैच नहीं करते, डिसमैच्ड होते हैं, और इसमें कोई भी इज रेगुलर, कोई रेगुलर पैटर्न का यूज नहीं किया गया है, फ्री वर्स में लिखी गई है। और चूंकि ये सब हमारे जितने भी पोइट हैं या पोइटस हैं, जैसे वॉल्ट विटमैन हो गए, सॉरी वॉल्ट विटमैन के अलावा जो भी हमारे माया एंग्लू, ये सारे जो भी लोग हैं, ये सब हमारे मॉडर्न टाइम के माने जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग हमेशा जो भी अधिकतर अपनी पोएम्स वगैरह लिखते थे तो ये फ्री वर्स में होती थी, जैसे इनकी फ्री वर्स में है, और साथ ही साथ में वॉल्ट विटमैन की भी फ्री वर्स में ही मानी जाती है। और इससे पहले हम लोगों ने एक और भी पोएम पढ़ी थी आई टेस्ट अ लेकर नेवर ब्रूड, जिसको एमिली डिकिंसन ने लिखा था, ठीक है, तो वो भी फ्री वर्स में थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किस फॉर्म में कौन सी पोएम लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए कि जो पोएम है हमारी वाइफ, द पोएम कंसिस्ट फोर स्टैंजा, इसमें फोर स्टैंजाज हैं, पूरी पोएम जो है उसमें चार स्टैंजा हैं। कितने स्टैंजा आप लोगों को ध्यान रखने, चार स्टैंजा हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसमें केवल थ्री वर्स लाइन्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। जो हमारी पूरी पोएम है वो कितनी लाइन्स की है ये अभी आपको पता चल जाएगा। जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसमें कितनी हो गई हमारी, थ्री वर्स लाइन्स यूज करी गई हैं। उसके बाद में फिर जो हमारी सेकेंड लाइन, विच डील्स विद द क्वेश्चंस, जो जिसमें क्वेश्चन एक तरीके से किया गया कि वाइफ कौन होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो फर्स्ट फर्स्ट नंबर वाली स्टैंजा है उसमें कितने थ्री वर्स लाइंस का यूज़ किया गया है। और फिर यहाँ पर जो सेकंड लाइन हमारी आती है कि यहाँ पर देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन एक तरीके से पूछा गया कि व्हाट इज वाइफ, और जो सेकंड स्टैंजा है हैज़ अ एट वर्स लाइन, उसमें एट वर्स लाइन का यूज़ किया गया है। कितने वर्स, एट लाइंस का, ठीक है, एट वर्स लाइन, यानी कि तीन ऊपर के और आठ बाद के, और जो थर्ड है वो कितने का है, थर्टी फर्स्ट वर्स लाइन्स, उसमें जो थर्ड है सबसे लंबा है, सबसे द थर्ड स्टैंजा इज द लॉन्गेस्ट स्टैंजा हैविंग थर्टी फर्स्ट वर्स। पहले में तीन है, दूसरे में एट लाइन्स हैं, और तीसरे में 31 है, और उसके बाद में जो लास्ट स्टैंजा है उसमें भी एट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका टोटल करने पे कितना आ रहा है। तो द लास्ट स्टैंजा लाइक द सेकेंड स्टैंजा, जो हमारा लास्ट स्टैंजा है एक तरीके से वो सेकेंड स्टैंजा के वही बराबर है, ठीक है, जिसमें कि एट, जिसमें जिसमें भी उसमें भी आठ लाइंस का ही यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से हमारी जो भी निकल के आई, तो कितनी निकल के आई यहाँ पर, तो फ्रेंड्स हमारी ये पूरी लाइंस पूरी थ्री, फर्स्ट में कौन कितनी है, थ्री है, सेकंड में कौन कितनी है, एट है, थर्ड में है 31, उसके बाद फोर्थ में फिर एट लाइन्स हैं, यानी कि इस तरीके से हमारी टोटल 50 लाइन्स की ये पूरी पोएम है। तो ध्यान रखिए 50 लाइन वर्स की हमारी पूरी पोएम है। अब चलते हैं हम इनके कुछ वर्क्स की तरफ, देखते हैं, नज़र डालते हैं कि इन्होंने कौन कौन से चीज़ें लिखी हैं, और कौन कौन से कब कब इनकी चीज़ें जो भी हैं, इन्होंने क्रिएशंस वगैरह है, कब पब्लिश हुई हैं। तो चलिए चलते हैं इस नेक्स्ट पेज में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके वर्क्स लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इसका सिंपली एक तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लेना है, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए फर्स्ट नंबर, इन्वेंटिंग सब्जेक्ट स्टडी ऑफ हिज मनी, अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, आपको इस तरीके से चीज़ें इनके वर्क्स वगैरह को ध्यान रखना है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी इन्होंने देखिए लिखा है, और फिर पोएट्रीज भी हैं, डूइंग टाइम पोएम्स और सेपरेट स्काई। उसके बाद में यहाँ पर इनके को ऑथर एंड एडिटेड, इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें एडिटेड करी हैं, तो ये देखिए
ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर से इसको देख सकते हैं, मैंने धीरे से मूव भी किया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज वगैरह करके इसको सबको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं अगर ये आपके काम के हों। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आई होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी, इस वाली वीडियो से हिमानी बनर्जी के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं वाइफ पोएम के बारे में, पोएम वाइफ के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोस में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है और ज़रूर आती है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। और फिर जो नेक्स्ट की नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पूरे क्वेश्चंस को, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन सभी को कवर अप करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन। अगर आपको कुछ पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो आप लाइक करिए, और नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।